मैं गीता रावत प्रस्तुत हूँ अपनी कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है 9 आईने वाला ऑटो। मतगणना का दिन था, बाजार की ज़्यादा दुकानें खुली नहीं थीं, अधिकांश या यों कहा जाए कि सभी लोग चुनावी परिणाम के इंतज़ार से ज़्यादा बहस और कयास का मज़ा ले रहे थे। अक्सर दुकानों में व्यस्त नज़र आने वाले व्यापारी और दुकानदार भी आज झुंड बनाकर चर्चा और मोबाइल में व्यस्त थे। मुझे कुछ ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था, सो मैं बाज़ार के लिए निकल पड़ी। वैसे भी बाज़ार की ज़्यादा भीड़ मेरे लिए परेशानी का सबब होती है। मैं ऑटो में बैठी तो मैंने देखा कि ऑटो में 5-6 आईने लगे हैं। बैठने पर पता चला कि पैसेंजर सीट पर भी 2 आईने लगे हैं। मैंने आईना देखा और ज़्यादा कुछ गौर न करते हुए बाज़ार की दाएं बाएं की गतिविधियों को देखने लगी कि न जाने कौन सी कहानी लिखने को मिल जाए। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि ऑटो कुछ ज़्यादा ही जंप करता हुआ चल रहा है। उस समय मैंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि इस बारे में मैं कई बार शिकायत कर चुकी हूँ, जिसका कारण सड़क की ख़राब हालत बताया जाता है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ऑटो चलाने वाले को चलाने का ढंग नहीं है। लेकिन उस समय मैं किसी बहस के मूड में नहीं थी, सो चुपचाप बैठी रही। रास्ते में भी सब कुछ सामान्य सा था, तो मैं ऑटो में लगे आईने गिनने लगी। पूरे 7 आईने लगे हुए थे और 2 पैसेंजर सीट पर भी, यानी कुल 9 आईने। वैसे हर चीज़ के लिए क्यों, क्या, उपयोगिता आदि जानने और सोचने वाली मैं उस दिन खाली दिमाग थी। सो वापस सड़क पर होने वाली गतिविधियों को देखने लगी। लेकिन बीच में अचानक मेरा ध्यान 2 आईनों पर गया, जिनमें मेरे सीने वाला भाग तेज़ी से उछलता हुआ नज़र आ रहा था, जैसा कि अक्सर रस्सी कूदते समय होता है। मुझे देखते ही बहुत अजीब लगा। कुछ सोचने से पहले ही मेरा ध्यान उस आईने पर गया जिस पर ऑटो चालक का चेहरा और आंखें दिख रही थीं। सामान्यतः 3 आईने वाले ऑटो में बीच के आईने से जो हरकत कुछ ऑटो वाले करते हैं, चूँकि 3 आईने वाले हरकत से हम थोड़ा अभ्यस्त हो चुके हैं, तो वही हरकत 9 आईने वाले ऑटो में और भी ज़्यादा सोच समझकर और सिस्टमेटिक ढंग से की जा रही थी। विज्ञान और गणित के नियमों का प्रयोग यहाँ पर इस ऑटो में क्या इसी उद्देश्य के लिए किया गया है? यदि हाँ, तो किसने किया होगा? क्या इस ऑटो वाले ने? संभव तो नहीं था। फिर भी क्या ऐसे ही कुछ ज़्यादा दिमाग और बड़ी बुद्धि वाले बड़ी दुर्घटनाओं और साजिशों के रचनाकार हुआ करते हैं?
यह सोची समझी साजिश मुझे इसलिए भी लगी क्योंकि जैसे ही मैंने आईने में देखना शुरू किया, उसने तुरंत अपनी नज़र दाएं बाएं करना शुरू कर दिया। इस बार तो मैंने भी लगातार ऑटो वाले के आईने में उसकी आंखों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अब वह आईने में फिर से नज़र नहीं मिला पा रहा था, आईने में नहीं देख रहा था और मेरा शक पूरी तरह यकीन में तब बदला जब उसने ऑटो ठीक से चलाना शुरू कर दिया। और यह बात भी मैंने महसूस नहीं की थी बल्कि आईने में ही देखी। आगे तीन सवारियां ऑटो में बैठी तब तक ऑटो एकदम सही चलने लगा था। मैं सोचने लगी गली मोहल्ले समाज की अखबारी खबरों वाले दरिंदे बलात्कारी कौन और कहाँ होते होंगे, उनकी मानसिकता कैसी होती होगी, कैसे ऐसी मानसिकता का उद्भव होता होगा, क्या ऐसी ही कुछ स्पष्ट रूप से अपराध के दायरे में ना आने वाली घटनाएं उनके बीज रूप में हुआ करती होंगी। खैर, और ज़्यादा गहराई में जाने से पहले ही मेरा स्टैंड आ चुका था। किराया देते वक्त मैंने बड़े ध्यान से नोट को इस तरह पकड़ाया कि पनपती हैवानियत का घृणित लिजलिजा स्पर्श मेरे हाथों को न हो। कहानी तो खत्म हो चुकी है लेकिन रोजाना बिना आईने के भी कई कहानियों से हमारा साक्षात्कार होता है, लेकिन शाब्दिक अभिव्यक्ति के अभाव में या फिर यह तो आम बात है कहकर घर परिवार समाज जैसे सुंदर शब्द षड्यंत्रों के अंतर्गत दबा दी जाती हैं, लेकिन मन मस्तिष्क में वे दबती नहीं बल्कि घूमती रहती हैं। धन्यवाद।